सारी नाराज वे तलाश मांग रे, कई गैर है जी कई मेरे खास मांग रे। दबे ना दबूंगा वैम खाड़ दो दिमाग ते, डिगता ना घबरू रे एक ते ना लाख ते, बोल वाणी अपनी का ख्याल रखे। मनु बता सागर, तेरा काम दाम की शाखी चल रहा है? बस भाई बोल है कि दया बढ़िया चल रहा है अभी तो। चल बढ़िया ही चलता रहना चाहिए। कमर तेरी हलवे हलवे रे, कर के दिल की गेल्या राड़ खोटिए लाख करेगी रे। हाँ सर मैं बस आ रही हूँ, 5 मिनट बस। सॉरी सर। अरे भाई बस कर, अब क्या आँख खाते ही घर छोड़ के आवेगा? अरे वाह बात ना है यार, तन देखा ना के मुड़ मुड़ के देख रही है, मन लगा पसंद आ गया उसने मैं। अरे भाई तेरी वजह से उसकी हेल्प होगी जब देख रही हो। अरे ना भाई, मेरी आँख धोखा ना खांस के, जैसे वो मुड़ मुड़ के देख रही थी ना, पक्का उसने पसंद आया हो भाई। अरे यार भाई वो शहर की मॉडर्न लड़की, तू कहाँ गाँव का देसी। अरे तो भाई देसी तो क्यों हो गया, आजकल देसी सब कैमरे टॉप पे, प्यार होया वार सब कैमरे टॉप पे चल रहे हैं। अड़के मिले रे तूने भाई। अरे यार भाई तेरे को 4 दिन हुए यहाँ आए हुए, क्यों इन चक्करों में पड़ रहे है? चल मुझा के तू लाए रखे बट सारी हाण, एटीट्यूड सिद्धू मूसे ढाल रखे से, कंधे पे यो परना। अरे भाई कहाँ रह गए थे, 2 मिनट का बोल के 20 मिनट लगा दिया आपने। अरे यार भाई मैं बताता हूँ, और तब से ही भाई खोया खोया ऐसा है। अरे बावली बात मत कर यार, चलो। और चौधरी भाई फसल वसल कैसी हो रही है गांव में? अरे कहाँ खोया हुआ है? अगर तू उस लड़की के बारे में सोच रहा है ना, एक ही तरीका है उसे पटाने का। क्या तरीका है भाई, वो जल्दी बता। भाई अब से ना तुझे एकदम मॉडर्न बन के रहना पड़ेगा, एकदम दिल्ली वाले लॉन्डो की तरह, एकदम गच, समझ रहा है? अच्छा तैयारी लगते होते पैर के। हाँ क्योंकि वो देसी लड़कों को ना भाव नहीं देती भाई। तो बन जाऊंगा भाई, उसमें क्या दिक्कत आ रही है? हाँ और अब की बार जब उसे मिले ना तो बोल दियो अपने दिल की बात, लेकिन लगना चाहिए लौंडा एकदम हीरो टाइप मॉडर्न है, समझ रहा है? कपड़े वपड़े भी एकदम स्टाइलिश, ठीक है? ठीक है भाई, यो तरीका करके देख लूँ, कल तो रोज पार्क में जाकर बैठूंगा, आज ना तो कल का दे तो मिलेगी। देख लिए बात जरूर बनेगी अगर ऐसा कर दिया तूने, वरना नाम बदल दियो। ठीक है भाई, यो भी करके देख लेना। बिल्कुल भाई, वैसे बात तो ठीक कह रहा है भाई, देशियान देख के छोरी बहुत नाक चढ़ाओ दिल्ली की। विशाल जल्दी खड़ा हो, तमाकू लेने चल रहे हैं। ना ना भाई मुझे कहीं जाना है यार, अरे आधे घंटे का काम है, गए हो रहा है बस। अरे समझा कर यार, पिछली बार 5 मिनट लेट हुआ था, 1 महीने तक ब्रेकअप कर लिया था उसने। ब्रेकअप? ओहो भाई यार थारा भी सीन ही अलग है, शेर की तरह जियो कति, यो के डर हुआ बंदी तो डर लग रहा है, 5 मिनट लेट हो गया। लेट जा एक एक घंटा, दो दो घंटे लेट जा, शेर की तरह जी। हम देख, एक सेकंड रुकियो। हेलो कहाँ हो तुम, जल्दी आओ। आ गया बस, 5 मिनट में आया, 5 मिनट में। यार ऐसे मत रहा यार, सबके साथ होता है यार ये तो। अच्छा भाई यार मैं ये पूछ रहा था यार, मेरी बंदी को ना बीएड वाले बंदे बहुत पसंद है, और तुझे तो पता है मेरी बीएड पैची है, तो यार कुछ बताना तो क्या यूज करता है? बस इतनी सी बात है, इसका इलाज तेरे भाई के पास है, अभी बताता हूँ, एक मिनट। ये देख ये प्रोडक्ट है, मैं खुद यूज करता हूँ, मस्टैक का बियर्ड ग्रोथ ऑयल और मस्टैक का ओशियन फेस वॉश, दोनों के दोनों बड़े जबरदस्त चीज है भाई। अच्छा भाई लेकिन यूज कैसे करते हैं यार इनको? भाई यूज ऐसे करना है भाई, ये है मस्टैक का बियर्ड ग्रोथ ऑयल, ये कोई बियर्ड ऑयल नहीं है, ये बियर्ड ग्रोथ ऑयल, रात को अपने बियर्ड एरिया पे अच्छे से अप्लाई करके सो जा, 1-2 महीने में तेरे को अपने आप रिजल्ट दिख जाएगा तेरे सामने खुद। मैं यही यूज करता हूँ भाई डेली, भाई मेरा कॉन्फिडेंस डाउन था बियर्ड की वजह से। और ये है मस्टैक का ओशियन फेस वॉश, इससे तो फिर फेस वॉश कर, और रिफ्रेशिंग जबरदस्त भाई साहब।
जितनी बार यूज करो उतनी बार मजा आता है, अलग ही रिफ्रेशमेंट आ जाती है भाई। अब से तू ये यूज कर। अच्छा भाई ये तो बताए ना परचेज कहाँ से करूँ मैं? परचेज करना बड़ा ईजी है, अमेजोन या फ्लिपकार्ट कहीं से भी आप इजीली परचेज कर सकते हैं इसको, और भाई एक ही दिन में डिलीवर हो जाता है। तू भी यूज कर यार, बार बार के बियर्ड आएगी मेरी तरह। हो गया, अभी मेरा अगला प्रोडक्ट भी आ जाएगा। बढ़िया यार। अच्छा चल मैं तमाकू लेने जाना है, लास्ट टाइम जो अभी तक जाना हो छोड़ दूंगा वही। चलो ठीक है भाई, चलता हूँ आपके साथ ही। आ जा। अरे यार सुना था ढूंढने पर तो भगवान भी मिल जाते हैं, एक लड़की नहीं मिलकर दे रही। इतने दिन हो लिए चक्कर काटते, ऊपर तेल लगते, अपना कुर्ता पजामा ठीक था, भीतर तक हवा तो लगी थी कम से कम। अरे ये तो वही है ना जिन्होंने उस दिन मेरा बैग चोरी होने से बचाया था। एक्सक्यूज मी। अरे आप क्या बात है, कोई फिर से बैग चुरा के भाग गया क्या? अरे नहीं नहीं, वो एक्चुअली मैंने आपको देखा तो उस दिन के लिए थैंक्स बोलने के लिए आ गई। अरे कोई बात नहीं जी, बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी चोरी तो होती रहती है। हाँ वो तो है, लेकिन अगर उस दिन आप मेरा बैग नहीं बचाते तो मेरी जॉब चली जाती। बैग से जॉब का क्या कनेक्शन भाई? वो एक्चुअली मेरा उस दिन जॉब इंटरव्यू था और उस बैग में ही मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स थे, और अगर वो चोरी हो जाते तो मेरी जॉब चली जाती और मैं लेट भी हो रही थी, इसलिए आपको थैंक्स भी नहीं बोल पाई। कोई नहीं ऐसी सिचुएशन में ये सब हो ही जाता है। वैसे आप यहाँ अकेले क्यों बैठे थे? सोशल डिस्टेंसिंग जी, देर है ना, कितनी बीमारी फैल रही है, जितना दूर रहो उतना ही बढ़िया है। अच्छा पर आपको देख के तो ऐसा नहीं लग रहा था। सच्चाई बताऊँ एक्चुअली यार मुझे आप पहले दिन पसंद आ गए थे, इसलिए तब से डेली आके बैठता हूँ यहाँ कि कभी तो दिखे। ओह अच्छा, तो ये बात आप मुझे सीधा सीधा भी तो बोल सकते थे। यार सीधा विधा बोलने में थोड़ी शर्म सी आ रही। वैसे मेरे दिल की बात तो आपने बोल ही दी खुद। क्या मतलब? लाओ फोन दिखाओ अपना, आगे की बात मैं आपको फोन करके बता दूंगी। ओके बाय, मैं लेट हो रही हूँ। यार अब उसको सब सच बता देना चाहिए, मैं कोई दिल्ली का शहरी वहरी तो हूँ नहीं, गांव से हूँ, जैसा हूँ सब सच बता दूंगा उसको, फिर और झूठ नहीं बोलना चाहिए उससे। अरे नाम लिया और फोन आ गया। हेलो हाँ नैन्सी। हेलो अजय, कहाँ हो? मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, प्लीज़ शाम को मिलो मुझसे। हाँ बताओ क्या ज़रूरी बात करनी है। वो मैं मिलकर ही बताऊंगी। चलो ठीक है, बताओ कहाँ मिलना है और कब मिलना है। कल शाम इग्नाइटर कैफे में मिलते हैं। ठीक है चलो कल मिलता हूँ। ओके बाय, अब कल मिलके उसको सब सच बता दूंगा, देखी जाएगी जो होगा, और झूठ नहीं बोलना चाहिए उसको, कल बता दूंगा। कहाँ रह गई, इतनी देर से वेट कर रही हूँ, अभी तक आए नहीं। छोरा दंपरू का सूता टरदानी है, बंदा है गोरा रंग सारे काम करे है ब्लैक में, हवा कोली जे की लागी तो कल हो कठा लिया, बार भी मैं रखे तेरे चक्कू बैग में, असले के आती अपराधी बन गए, असले के आती अपराधी बन गए, पूरे
थे और ये क्या पहने हुए तुमने? और आई थिंक फर्स्ट टाइम जब मिले तब भी तुमने कुछ ऐसा ही पहना हुआ था ना? इन कपड़ों में कुछ दिक्कत है? नहीं नहीं कुछ नहीं, लीव इट, आओ बैठो तुम। सागर रुको दो मिनट में अभी आ रहा। दिल के सपना ट्रेंड जान दे, माँ बाप ने पराया वो ब्रांड मान दे, वरना जब पड़ा हम गैल मरा गए, लाडले से यार ना फ्रेंड मान दे। चाहे बेशक ना हो एक मैया रहे, बेशक ना हो एक मैया रहे, उड़ दे कबूतरा का करला शिकार हम तैयार रहे। क्या किसी से ही बात करना स्टार्ट कर देते हो? कम से कम अपने स्टैंडर्ड से मैच होने वाले लोगों से तो बात किया करो, किसी के भी साथ बात करने लग जाते हो। अरे मेरे गांव का यार दोस्त है मेरा, भाई आई हो एक बार। वो भाई वहां बैठे हो, कौन है वो? ओनर है आगे। ओनर? यही तो तुम लोगों की गलती है, बिना किसी को जाने पहचाने जज कर लेते हो। अब देसी हद के गवार ही होगा, कैफे का मालिक है वो। सॉरी अजय, मैंने ऐसे ही जज कर लिया बिना जाने। छोड़ो ये सब, तुम वो बताओ कल क्या जरूरी बात करनी थी। वो एक्चुअली मैं सोच रही थी कि हम लोग इतने टाइम से साथ हैं तो क्यों ना फ्यूचर के बारे में भी सोच लें, आई मीन अपनी फैमिली से बात कर लें। यार चाहता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हें कुछ सच बताना है। सच? कैसा सच? यार सच ये है, जो मैं तुम्हारे सामने हूँ ना वैसा नहीं हूँ अब, जो तुम्हें दिख रहा है वैसा ही हूँ मैं। मतलब मैं गाँव से हूँ, देसी बाड़क हूँ, मैं कोई शहरी वहरी ना हूँ। क्या? मैं तो कुछ दिन के लिए यहाँ रहने आया था और मेरे दोस्त ने बोला था ऐसे रहने के लिए, इसलिए किया मैंने ये सब। छोड़ो ये सब, तुम जैसे भी थे पहले आई डोंट केयर, लेकिन फ्यूचर में तुम गांव में नहीं रह सकते हो क्योंकि मैं वहाँ एडजस्ट नहीं कर सकती तुम्हारी गाय भैंसों में, तो तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। भैया प्यार करते हो तो इतना एडजस्ट तो कर ही सकते हो थोड़ा बहुत। पर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है अपना ये गाँव और देसीपना छोड़ने में? देखो मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हारे पास दो मिनट का टाइम है, तुम डिसाइड कर लो। कर लिया डिसाइड। क्या मैडम? देसी थे, देसी हैं, देसी रहेंगे। और मौज कर रखी है राम ने, जन्म देगा गांव में, बेड़िया के तेल लगा रिपटती जा। राम राम। कुर्ता पजामा रे अटैच मोड़े केसी, तू सोच रही से सही मैं बिल्कुल देसी। लठ मार बोली मारा अपना स्वैग, हरियाणवी दे बंग मारे लाग रिया सा टैग। रघमंड से चोरे जमींदार के जी। राम राम दोस्तों, तो वीडियो थमना अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना वीदियो को, और कमेंट सेक्शन में बता के जरूर जाना 10 में से आपको कितने नंबर के लायक वीडियो लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आज जो प्रोडक्ट रिकमेंड किया है मैंने आपको, मस्टैक का बियर्ड ग्रोथ ऑयल और मस्टैक का ओशन फेस वॉश, दोनों के दोनों बड़े जबरदस्त यार, एक बार चेकआउट जरूर करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और नई वीडियो के साथ आपको जल्दी मिलेंगे, अपना प्यार और सपोर्ट में बनाकर रखियो। राम राम।